हम लोग तो पूरे 120 साल से हम लोग यहाँ, हमारा पिताजी था, हमारा दादाजी था, इसी का बाद हम लोग यहाँ पर है। अभी अभी तो कुछ मालूम नहीं, किसी लिए ये दूसरे आदमी आए हुए बाहर से, तो उन लोगों से तो हमारे ऊपर बहुत दिक्कत चला रहा है, इसीलिए हम लोग चाह रहा है उन लोगों को खेत कर हम लोगों को कुछ दिक्कत ना करे। अच्छा, ये सरकारी भूमि गवर्नमेंट लैंड पर जो लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को सरकार के तरफ से एफिक कर रहे हैं, तो इस पर आप लोग सहमति जताते हैं? हम लोग इसमें सहमति है हम लोग का, और इसके प्रकाशन के साथ भी हम लोग की सहमति है, लेकिन वो सरकार की मिट्टी जितनी है उसको तो उच्छेद करना चाहिए। अगर जो नियादी मिट्टी है उस नियादी मिट्टी के ऊपर तो उसमें जांच करना चाहिए, जो पुराना जो है उन लोगों को और जो नया है उन लोगों को हटाना चाहिए। यह सरकार की तरफ से मैं कह रहा हूँ, जो सरकार यही काम करना तो सही है। देखिए, ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक का जो सुरक्षा है वो हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग जितना इंडिजिनियस लोग है यहाँ का, हम लोग चाहते हैं कि यह में जो इलीगल माइग्रेंट्स का जो दबदबा है, जो दबाव है, उनसे हम लोग भी बचे। तो ये आप लोग को मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। मेरा ये दादाजी का पिताजी लेट अब्दुल रहीम चौधरी, 1957 का पासपोर्ट है उनका, वो 56 में हज में गए थे। वहाँ पे भी उनका डॉक्यूमेंट में देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, अब्दुल रहीम चौधरी लेट हाफिज तुतामिया चौधरी, इंडियन, एज 70 इयर्स। उनका ये जो विलेज लिखा हुआ है, ये देखिए, कोचुतोली, पोस्ट ऑफिस डिगारू, डिस्ट्रिक्ट कामरूप, वो उस समय कामरूप था, ये प्रोविंस, उस समय स्टेट नहीं लिखा गया था, स्टेट को प्रोविंस लिखा गया था, तो वहाँ पे आसाम लिखा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ में जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो लोग को पूरा खाली करें। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार के साथ पूरा सहमति रखते हैं, और जो इंडियन इंडिजिनियस लोग है यहाँ का, उन लोग का कोई दिक्कत ना आए। हम सरकार से, सीएम से और डिपार्टमेंट के लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे कि यहाँ का इंडिजिनियस लोगों का कोई दिक्कत ना आए इस एविक्शन के वजह से, और जितना भी इलीगल इमिग्रेंट्स है या सरकारी जमीन जितने लोग हड़पे हुए है उन लोग को यहाँ से खाली करें। हम इसके साथ, प्रशासन के साथ हम पूरा सहमति रखते हैं। अगर कोई हम लोग का भी उस काम के लिए कोई जरूरत पड़े, हम भी उस काम में हाथ बटाने में मतलब सहमत है, हम शामिल होंगे जी, हम मदद करेंगे, हम मदद के लिए तैयार हैं।